In this video, we will discuss Pakistan affairs, CSS syllabus. So international affairs, we discuss Pakistan, which is Pakistan and US war. Deshagardi ke upar Pakistan involvement and impact in the war on Pakistan and US war on terror. So its involvement or impact, we will see. US lead war on terror launched after 9/11 attack in 2001. So America ki jo qiyadat ke andar deshagardi ke khilaf जंग जो स्टार्ट हुई थी वो 9/11 के हमले के बाद हुई थी, जो 2001 में शुरू हुई. तो फिर इसने पाकिस्तान के ऊपर काफी गहरे असरात छोड़े, और इसकी जो खारजा पॉलिसी थी या दाखिली सलामती हो या सामाजिक इक्तसादी मंजरनामा हो, इसको उसने दोबारा एक नई शक्ल दी. फिर एक फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर जो है पाकिस्तान का किरदार इस जंग में रहा. पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम रहा इसके अंदर, लेकिन मुतनाज़ा भी रहा पाकिस्तान का इस हवाले से जो किरदार था कि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा. सो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका ओवरव्यू देखेंगे जो वार थी दहशतगर्दी के ऊपर. सो 9/11 जो के अटैक हुए थे, इसमें 2001 को जो अमेरिका पर हमले हुए थे उसमें आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया था. तो उसका मकसद क्या था कि बुनियादी तौर पर जो अलकायदा है और इसके हामी हैं उनको निशाना बनाया जाएगा. इस तरह देन अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ, और अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर जो हमले का मकसद था वो ये था कि जो तालिबान हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो अलकायदा है, जो अलकायदा को पनाह दे रही थी, यानी अफगान हुकूमत अलकायदा को पनाह दे रही थी और अमेरिका अलकायदा को ख़त्म करना चाहता था. सो पाकिस्तान जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस, तो इसके अंदर जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुश्तरक सरहद है उसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम बना दिया. देन स्ट्रेटजिक अलाय, सो पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका का एक अहम गैर नेटिव इतिहादी बन गया, जो अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए जो लॉजिस्टिक हो या यानी कि आर्मी सपोर्ट हो वो पाकिस्तान ने फराहम की. फिर पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर ऑन टेरर कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेसिस एंड लॉजिस्टिक्स. पाकिस्तान अलाउड द यूएस टू यूज इट्स एयर बेसिस एंड एयर स्पेस फॉर ऑपरेशन इन अफगानिस्तान. देन इंटेलिजेंस शेयरिंग, पाकिस्तान प्रोवाइडेड क्रूशियल इंटेलिजेंस ऑन तालिबान एंड अलकायदा ऑपरेटिव हेल्पिंग द यूएस इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स. तो इसके जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने तावन किया, चाहे वो फौजी अड्डे देने हों या लॉजिस्टिक्स हो, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे भी दिए, अपने फिजाई रास्ते भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी ताकि अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो सकें. सो पाकिस्तान ने भी तालिबान और अलकायदा के जो ऑपरेटिव थे उनके बारे में खुफिया मालूम भी अमरीका को फराहम की. फिर अमरीका की जो इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें थी, इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से अमरीका को बहुत मदद मिली. सो मिलिट्री ऑपरेशन विद इन द पाकिस्तान FATA ऑपरेशन, पाकिस्तान लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन इन इट्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज FATA पार्टिकुलर इन साउथ वजीरिस्तान एंड नॉर्थ वजीरिस्तान टू कम्बैट तालिबान एंड अलकायदा एलिमेंट्स. तो पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो नेटो फोर्सेज थी उनको वसाइल को भी जिनके फरामी में किरदार अदा किया, अपने पोर्ट्स दिए, अपने ज़मीनी रास्ते दिए. इसके साथ साथ जो फौजी कार्रवाइयाँ थी, यानी पाकिस्तान ने अपने वफाकी इंतजामी कबायली इलाके खास तौर पर जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में जो तालिबान थे और अलकायदा के कुछ लोग थे उनके खिलाफ को फौजी कार्रवाइयाँ की. इसके बाद जो है ऑपरेशन ज़रबेज़ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 2014 में किया गया था, जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था पेशावर में. तो फिर ये एक बड़ी सतह के ऊपर शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के जो मजबूत ठिकाने थे उनको निशाना बनाने के लिए ज़रब अज़ ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो काफ़ी हद तक कामयाब रहा, और शिदत पसंद जो ग्रुप थे उनकी मौजूदगी को काफ़ी हद तक ख़त्म करने के अंदर ये कामयाब हो गया ऑपरेशन. उसके बाद 2017 में एक और पाकिस्तान ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से स्टार्ट किया, जो मुल्की सतह के ऊपर जो है इसका मकसद था कि दहशतगर्दी के जो अगर कुछ बाकियात हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो इंतहा पसंदी की जो बुनियादी वजूहत थी उनको भी इस ऑपरेशन के जरिए हल किया जाएगा. देन सपोर्ट फॉर काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स, द डिटेंशन ऑफ हाई वैल्यू टारगेट्स, पाकिस्तान कैप्चर्ड सेवरल हाई प्रोफाइल अलकायदा मेंबर्स इंक्लूडिंग खालिद शेख महमूद एंड हैंडल देम ओवर टू द यूएस. तो फिर जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इकदाम जो किए गए थे उनकी हमायत की. पाकिस्तान ने कई जो आला प्रोफाइल अलकायदा के अरकान थे उसको गिरफ्तार करवा दिया, जिसमें खालिद शेख थे जो 9/11 के मास्टरमाइंड थे, और फिर उन्हें पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले कर दिया. देन ड्रोन स्ट्राइक्स, तो पाकिस्तान ने जो अपने कबायली इलाकों में अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त दे दी थी, लेकिन
इस ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान के कबायली इलाके में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी, और फिर जो ड्रोन हमले अमेरिका की तरफ से किए जाते थे उनमें ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि जो मासूम लोग थे उनकी भी जानों का ज़िया हो जाता था। तो इस वजह से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जो है बाकी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कुर्बानियाँ दी। तो इस तरह से जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे उनको ड्रोन हमलों के जरिए उनको निशाना बनाया जाता था। फिर तो इसके साथ तो अगर हम देखें पाकिस्तान के ऊपर इसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा सिक्योरिटी और टेररिज्म के हवाले से, या डोमेस्टिक टेररिज्म, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, देन सिविलियन कैजुअलिटीज। तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली, लेकिन जो शिदत पसंद ग्रुप थे उसमें उन्होंने अमरीका के साथ जो है वो पाकिस्तान के तामन का इंतकाम लिया। मीन के जिस तरह से TTP है, तो TTP उभरी, फिर तबाह उन दहशतगर्द हमले किए TTP ने, फिर जिस तरह से 2014 का पिशावर स्कूल का हमला था, फिर इसके अलावा भी ये ग्रुप पाकिस्तान के जो यानी कि हजारों शहरियों को दहशतगर्दी हमलों में उनको कत्ल कर दिया ड्रोन हमलों के जरिए। फिर फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में काफ़ी जो है वो जानों का ज़िया हो गया। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और अदम इस्तेमाल, फिर गैर मुल्की सरमायाकारी के अंदर पाकिस्तान के अंदर कमी आ गई थी, इसकी वजह से तकरीबन 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद जो US एड और असिस्टेंस थी, तो पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ माली और फौजी सतह पर भी इमदाद मिली, जो 2002 से 2018 तक तकरीबन 33 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी थी। फिर इससे जो इक्तसादी नुकसान था उसको उसकी तलाफी नहीं हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान 150 अरब डॉलर हो गया था। देन पॉलिटिकल एंड सोशल रेमिफिकेशंस, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी जो इसके ऊपर क्या जो असरात थे, यानी कि फाटा के अंदर और जो दीगर मतनाज़ा इलाके थे उनके अंदर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू की गई, और उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जो इसे एक वो इंसानी बहरान पैदा हो गया था। एंड देन पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसने मजहबी इंतहा पसंदी को यानी कि हवा दी, और फिर पाकिस्तानी मुआशरे में जो नजरियाती तकसीम थी वो बढ़ गई, और इसके अलावा जो मगरबी ममालिक थे उनके खिलाफ भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से काफ़ी जो है वो जज्बात थे उनके खिलाफ। और फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, स्टैंड यूएस पाकिस्तान रिलेशन डिस्पाइट बीइंग अलाइज, यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स, द रेमोन डेविस इंसिडेंट्स 2011, ओसामा बिन लादेन रेड इन अहमदाबाद 2011 का सिग्निफिकेंट स्टैंड इन बायलेटरल रिलेशंस। तो फिर जो है अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो तलुकात थे उनके बावजूद, जो है इतिहादी होने के बावजूद अमरीकी ड्रोन हमले या रेमन डेविस का जो वाक्य 2011 में हुआ था, फिर ओबामा बिन लादेन कोएप्टाबाद के अंदर 2011 में उसकी हलाकत हुई थी, तो इसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान काफ़ी ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। सो पाकिस्तान इमेज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान का बैन अकवामी बरादरी के अंदर क्या इमेज रहा, पाकिस्तान को बैन अकवामी तनकीद का सामना करना पड़ा, और क्योंकि जो अमेरिका की मदद करते हुए पाकिस्तान ने बहुत सारे शिदत पसंद ग्रुपों को पनाह दे दी थी, फिर इसके बाद भी पाकिस्तान को इनको पनाह देने के हवाले से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का रोल है पोस्ट वार अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान इन्फ्लुएंस ऑन द अफगान तालिबान, सो सपोर्ट फॉर द अफगान तालिबान फैसिलिटेटर इन पीस टॉक्स, तो पाकिस्तान के ऊपर जो अफगान तालिबान थे उन्होंने यानी कि उनको पाकिस्तान के ऊपर उनकी खामोश हमायत का इल्ज़ाम है, और इस ग्रुप को फिर भारतीय जो इन्फ्लुएंस है उसके मुकाबले में एक स्ट्रेटजिक असासा समझा जाता है पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान ने जो है अमरीकी और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा के अंदर अमन मुज़ाकरात में भी अपना बहुत अहम किरदार अदा किया था, तो उसके नतीजे में 2020 के अंदर अमेरिका अफगान अमन मुआहदा हो गया था। देन इम्प्लीकेशन ऑफ द US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न, US विड्रॉल 2021 एंड तालिबान रिटर्न टू पावर हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी एंड इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज, रिफ्यूज क्राइसिस, पाकिस्तान फियर्स अनदर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज एडिंग प्रेशर टू इट्स ऑलरेडी स्ट्रेंड रिसोर्सेज। तो दहशतगर्द जो थे उसके ऊपर अमेरिका की जो अफगानिस्तान से वापसी थी उसके ऊपर काफ़ी असरात पड़े, और जो पाकिस्तान अमेरिका की वापसी थी और उसने तालिबान की वापसी थी उन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सरहद पर दहशतगर्दी हो या दम इस्तेकाम हो,
तो इसके बारे में काफ़ी खदशात बढ़ गए और पाकिस्तान को अफगान जो पनाह गजीन थे उनकी दोबारा आमद का खतरा था। तो जो पहले ही तंग जो पाकिस्तान के ऊपर जो वसायल थे कम थे और उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, तो मजीद जो है रिफ्यूजीज आने का खतरा था। Then controversies and criticism allegations of harboring terrorist group safe havens for militants in US criticism तो शिदत पसंद के लिए जो है महफूज बनाया गए हैं। पाकिस्तान को अमरीका और अफगानिस्तान से जो अफगान तालिबान थे ये हकानी नेटवर्क था तो उसको जो है वो महफूज बना गए फराम करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया और जो अमरीकी तनकीद थी यानी अमरीकी हुकाम थे उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप भी थे, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ जो है वो ये कहा कि पाकिस्तान जो दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ जो है वो फैसला कौन कार्रवाई नहीं करना चाहता और फैसला कौन जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई उसके ऊपर अमरीका की तरफ से तनकीद की गई, अमरीका ने पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से जो है कोई एतमाद नहीं किया। सो उसके बाद डबल गेम एलिगेशंस देन डबल अप्रोच, पाकिस्तान डबल गेम सपोर्टिंग द यूएस ऑन वन हैंड व्हाइल मेंटेनिंग विद मिलिटेंट ग्रुप्स स्टैंडर्ड्स क्रेडिबिलिटी इन रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर दोहरा खेल खेलने का इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान का रवैया जो है वो दोहरा है, पाकिस्तान जो है एक तरफ अमरीका की हमायत करता है और दूसरी तरफ शिदत पसंद ग्रुपों के साथ रवाबित भी रखता है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की साख थी या मगरब ममालिक के साथ तल्लुकात थे उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान के अमरीका की क्यादत में जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग शुरू की थी उसमें पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी असरात छोड़े उसने और इसी शिरकत ने इसकी पाकिस्तान की सलामती हो या पाकिस्तान की मईशत हो सियासत हो खारजी तल्लुकात हो बहुत इन तमाम चीज़ों के ऊपर इनका गहरा असर पड़ा और मुल्क जो था उसने दहशत गर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान है यानी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसने पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस का भी शदीद किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसमें पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो है वो फैक्टर्स भी इंक्लूड थे, इनके कुछ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हुआ था और इसके अलावा पाकिस्तान को इक्तसादी लिहाज से नुकसान उठाना पड़ा, बैन अक्वामी तनकीद पाकिस्तान के ऊपर की गई। पाकिस्तान जैसे ही दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बाद यानी कि इस मंजरनामे में रहता तो खासतौर पर अफगानिस्तान में बदलती हुई जो मूवमेंट थी तो उसका किरदार जो है वो अलकाई और आलमी इंसदादी दहशत गर्दी कोशों में दोनों के अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम था। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रोल इन द रीजन इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शन विद इन इट्स रीजन। तो पाकिस्तान का इलाकाई किरदार क्या रहा, पाकिस्तान का क्या इन्फ्लुएंस रहा इन रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान के जो जनूबी एशिया के अंदर हसियात है उसके जो उसकी लोकेशन की वजह से तो इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तजारत के लिए पाकिस्तान तजारत के रास्तों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सो हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान रीजनल रोल पार्टीशन इट्स आफ्टर मैथ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947। तो पाकिस्तान के जो इलाकाई किरदार था वो तारीखी था, पाकिस्तान का क्याम 1947 में हुआ, फिर बरतानवी हिंदुस्तान के जब तकसीम हुआ था तो उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान बना और फिर इससे जो जनूबी एशिया की जोग्राफियाई यानी कि एक तश्कील थी उसके ऊपर पाकिस्तान का काफ़ी गहरा असर था और भारत के साथ कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का एक इलाकाई तनाज़ा है और एक मरकजी मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो पाकिस्तान के जो इलाकाई पॉलिसियों को भी मुतासर करता है ये। उसके बाद कोल्ड वार अगर हम एरा देखें जिसमें अलाइनमेंट विद यूएस है सपोर्ट फॉर मुजाहिदीन, तो सर्द जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने अमरीका के साथ इतिहाद किया जिसके अंदर SEATO और SCNTO जिसमें शमूलियत इख्तियार की, पाकिस्तान की जो यानी कि एक रीजन के अंदर एक हिकमत अमली थी उसने पाकिस्तान ने वो बनाई और फिर 1980 की दहाई के अंदर जो सोवियत हमले थे उनके खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की हमायत की पाकिस्तान ने और इसके साथ साथ जो मतलब जो हमसाय ममालिक थे उनके साथ अगर हम दो तरफा तल्लुकात देखें खासतौर पर इंडिया के साथ जिसमें कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन है, कश्मीर का मसला है और ट्रेड और डिप्लोमेसी है, तो कश्मीर का तनाज़ा तो एक मरकजी मसला है ही, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की एक बहुत बड़ी वजह है इन दोनों ममालिक के दरमियान। तो फिर इसके बाद जो अगर हम तिजारत और सफारतकारी की बात करते हैं तो तनाज़ा के बावजूद सफारती मामलात पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हैं और तिजारत की कोशिशें भी जारी हैं जारी रहीं कुछ टाइम तक और फिर जो इसके अलावा जो एतमाद साजी के कुछ हवाले से इकदाम भी किए गए थे और दो तरफ़ा बातचीत या दो तरफ़ा मुज़ाकरात के हवाले से भी
question again. Then recent developments, Article 370 abrogation 2019, India revocation of Kashmir special status has escalated tensions. Then peace initiative efforts like the Shimla Agreement and Lahore Summit have aimed at easing tensions with varying success. तो आर्टिकल 370 2019 के अंदर भारत ने खत्म कर दिया था और उसकी वजह से जो है जो कश्मीर की खासियत थी वो खत्म कर दी गई आर्टिकल 370 खत्म करने से और इस वजह से जो कशीदगी थी फिर बढ़ गई और फिर शिमला मुहिदा और लाहौर समेत जैसे कुछ इकदाम किए गए थे ताकि कशीदगी को जो है वो कम किया जा सके तो फिर इस जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी मुतल स्टेटस के ऊपर यानी कि ये कामयाबी इसके अंदर रही. देन अफगानिस्तान के साथ अगर हम देखें स्ट्रेटजिक हमारे इंटरेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी तालिबान इन्फ्लुएंस तो जो सरहदी सिक्योरिटी है पाकिस्तान की डेजूट लाइन और सरहद पर अस्क्रियत पसंद के ऊपर इसके हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी तश्वीश है और पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ जो तलक है और अमन मजाकरात के अंदर पाकिस्तान का किरदार है वो पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर काफ़ी असर रखता है. फिर जो है तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 में दैट हैज़ ब्रॉट चैलेंजेस रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट एंड रिफ्यूजीज फ्लो. तो 2021 में जब तालिबान के ने कब्ज़ा किया यानी कि अपने सरहदी इंतजाम और पनाह गज़ीनों की रवानगी से मुतल पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिले और उसके बाद चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं खासतौर पर सी पैक है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बहुत बड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर है तो इस तरह से पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट है उसमें चीन का जो इलाका है सिनकियांग तो इस चीन के इलाके के साथ ग्वादर को जोड़ता है और फिर इक्तसादी तालुकात और इलाकई इस इलाके के हवाले से भी मतलब रीजन के सतह के ऊपर भी पाकिस्तान चाइना के साथ जुड़ा है और पाकिस्तान अमरीका चाइना के दरमियान जो मिलिट्री कोऑपरेशन भी होती हैं और दोनों मालिक जो है वो की फौजें जो है मुश्तरक मशकें करती हैं फिर दिफाई तमन भी दोनों मालिक के दरमियान रहता है. देन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चाइना इज अ मेजर ट्रेड पार्टनर इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो चाइना जो है बहुत बड़ा तजारती साथी है सरमायाकार है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकतसादी पॉलिसी के ऊपर चाइना का काफ़ी गहरा असर है. देन जियो पोलिटिकल रिलेशन एनर्जी एंड ट्रेड सो जो तमन्नाई और तिजारत है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तो उसके पाकिस्तान और ईरान के दरमियान के जो मफादात हैं वो एक जैसे हैं जैसे ईरान जो है वो पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर बातचीत जारी है और इस तरह से पाकिस्तान की जो ईरान के साथ मामलात हैं उसमें सुन्नी और शिया जो फिरके हैं उनके साथ तल्लुकात को बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है ताकि जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से कुछ मसाइल पैदा ना हों. देन रिसेंट इशूज़ जो बॉर्डर सिक्योरिटी है इसके सरहद पर स्मगलिंग और अस्क्रियत पसंदी के हवाले से जो है वाकयात हुए हैं और इसके दोनों मालिक के जो तलुकात हैं उनके ऊपर असर पड़ा है इन चीज़ों का. उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन है रीजनल कोऑपरेशन उसका ऑब्जेक्टिव और उसका चैलेंज तो जो सार्क है उसका मकसद क्या है इकोनॉमिक की फोस्टिंग रीजनल इंटीग्रेशन साउथ एशियन कंट्रीज के दरमियान खासतौर पर इसके साथ टेंशन और इसका इम्पैक्ट क्या है बायलैटरल टेंशन पार्टिकुलर विद इंडिया है वो फन हिंडर्ड सार्क इफेक्टिवनेस. तो जो सार्क जो है एक तो इसका मकसद है कि शेम वाले के दरमियान इक्तसादी इतना तावन बढ़ाया जाए और भारत के साथ जो तरफा पाकिस्तान की कशीदगी है उससे जो सैन के सार्क है उसका जो असर है उसका इन्फ्लुएंस है वो मुतासर हुआ है. सो पाकिस्तान का रोल क्या रहा इसकी पाकिस्तान की लीडरशिप फिर पाकिस्तान की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव्स तो पाकिस्तान ने जो है मुख्तलिफ सार्क इकदाम में काफ़ी किरदार अदा किया अहम किरदार अदा किया. इसके अलावा तजारती माहदे कुदरती आफात के इंतजाम में पाकिस्तान ने मदद की इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO तो जो कि वस्ती एशिया ममालिक और मिडल ईस्ट के अंदर जो इकतसादी कोऑपरेशन था इसके ऊपर तवज्जो दी गई. फिर ये जो तजारत की यानी कि कनेक्शन थे और बेसिक स्ट्रक्चर थे इसके मनसूबे को बेहतर बनाने का भी इरादा इसके अंदर था. उसके बाद ट्रेंड इसके बाद जो पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्रेड एंड कोऑपरेशन और पाकिस्तान जिन्हें जो है खासतौर पर ECO में के इकदाम में शिरकत की फिर जो है तजारत के हवाले से भी पाकिस्तान उनके साथ जुड़ा रहा. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की हम बात करें तो फिर इसके में जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है रीजनल सिक्योरिटी SCO जो है फोकस करता है रीजनल सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म और पोलिटिकल स्टेबिलिटी है यानी कि ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं. फिर उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जिसमें और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करती है साथ साथ रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट है
इसको प्रमोट करती है, पाकिस्तान के क्या इंगेजमेंट रही और ऑब्जर्वर स्टेटस क्या है, पाकिस्तान जो है वो एसईओ के डिस्कशन के अंदर शामिल रहा खासतौर पर रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, देन स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीपैक जो एक मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है उसको कनेक्ट करता है चाइना के सियांग रीजन के साथ, देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका मकसद जो है वो ट्रेड को इन्वेस्टमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी को बनाना है, और इसको काफी सारे चैलेंजेस का भी सामना है जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न है खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो यह सीपैक के प्रोजेक्ट के ऊपर काफी इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिसमें सीपैक जो है वो प्रोमिसेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग जॉब क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो सीपैक की वजह से जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी पाकिस्तान और चाइना दोनों को हासिल होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, फिर बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी, देन ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस और मेरीटाइम ट्रेड, ग्वादर पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा अहम है रीजनल मेरीटाइम ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक हब इट इज इन विजन एज अ मेजर इकोनॉमिक हब बूस्टिंग ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, देन डेवलपमेंट चैलेंजेस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर क्रिटिकल फॉर द पोर्ट सक्सेस, देन चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या, रीजनल टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, कश्मीर इशूज जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ कश्मीर इशू है ये मेजर चैलेंज रहा दोनों ममालिक के लिए, इसके बाद अफगान इंस्टेबिलिटी है जिसमें सिचुएशन जो है अफगानिस्तान के अंदर उसने पाकिस्तान के ऊपर मसलसल पाकिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर असर डाला, इसके बाद इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न है जिसमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिसमें कर्जा है और तिजारत के अंदर इम्बेलेंस है, पाकिस्तान के रीजनल इन्फ्लुएंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं जिसमें टेररिज्म इंक्लूड है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो ये भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है वो छोड़ते हैं। इसके बाद जो डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटजी की शिफ्ट्स है, रीअलाइनमेंट ऑफ अलायंसेस पाकिस्तान शिफ्टिंग अलायंसेस एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस रोल इन द रीजन, regional integration efforts to enhance regional integration and cooperation are vital for pakistan future regional influence, to pakistan ka jo ilaqai kirdar raha wo tareekhi ta strategic iqtisadi hawale se bhi kafi pechida mamlaat rahe hamsaya mumalik ke sath jo pakistan ke talaqat the ya pakistan ke regions ke andar jo tanzeem thi unki shirkat cpec ke hawale se jo kuch ikdamat the तो ये पाकिस्तान के जो रीजन हैं उनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के ऊपर जो 9/11 है उसने पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर क्या असर डाला, जिनके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस आए 9/11 के बाद। सो 11 सितंबर 2001 को अमरीका के में दहशत गर्द हमले हुए थे, तो उसने फिर जो पाकिस्तान आलमी चाहे सियासत हो या पाकिस्तान के जो अंदर जो सियासत थी काफ़ी उसके उसने इसके ऊपर गहरा असर डाला और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर। तो जो 9/11 के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इतिहादी पाकिस्तान के जो रीजन्स के डायनमिक्स थे पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे दुनिया के साथ उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। तो अगर इसको हम देखेंगे 9/11 का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वार ऑन टेरर एंड जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, सो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी अमेरिका की क़यादत के अंदर स्टार्ट हुई थी तो पाकिस्तान ने उसके अंदर काफ़ी किरदार अदा किया और इस जंग ने बैन अक्वामी तलुकात के ऊपर काफ़ी असर डाला, आलमी सतह के ऊपर जो इंसदारी दहशतगर्दी थी इसके हवाले से भी इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान और अमरीका के तरफ से पाकिस्तान और अमरीका के ऊपर था ये कि जो है वो सख्त इकदाम करने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, तो पाकिस्तान से पोजीशंस और फ्रंट लाइन थे देन बैलेंसिंग रिलेशंस, तो पाकिस्तान की जो सर्जरी हैसियत थी इसमें पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी हैसियत थी उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान उस हैसियत की वजह से अहम बन गया था, फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी उसके फैसलों की वजह से मुतासर हुई, पाकिस्तान को अमरीका के साथ इतिहाद बरकरार रखना पड़ा, इसकी वजह से भी जो पाकिस्तान के जो यानी कि रीजन के अंदर जो हमसाए थे या बाकी आलमी ताकतें थी उनके साथ पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज था कि उनके साथ भी पाकिस्तान बैलेंस अपने ताल्लुकात रखे।
और इसके बाद की चेंजेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथन विद यूनाइटेड स्टेट अलायंस इन द वर्ल्ड वार ऑन टेरर मिलिट्री कोऑपरेशन देन लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड. तो पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी थी उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी. पाकिस्तान अमेरिका का जो है एक बड़ा गैर नेटो इतिहादी पाकिस्तान बन गया था. फिर अफगानिस्तान के अंदर जो फौजी कार्रवाइयाँ हुई, फिर इंसदारी दहशत गर्दी की कोशिशों के अंदर भी पाकिस्तान ने काफ़ी मदद की. इसके अलावा पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी. पाकिस्तान ने अमरीका की जो कार्रवाइयाँ अमरीका ने की उसमें पाकिस्तान ने हर सतह के ऊपर अमरीका की मदद की. और इसके साथ साथ जो है फिर यूएस असिस्टेंस भी मिली पाकिस्तान को अमेरिका के से, जो है काफ़ी इक्तसादी और फौजी इमदाद मिली. तो इसका मकसद क्या था कि जो इंसदारी दहशतगर्दी है उसकी सलाहियतों को बढ़ाया जाएगा, इस काम को मज़ीद मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन से काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड द लाइन इशूज, द बॉर्डर विद अफगानिस्तान बिकेम अ मेजर फोकस विद पाकिस्तान एड्रेसिंग क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी एंड स्मगलिंग. तो जो पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक फायदे हुए थे इस जब पाकिस्तान ने इतिहाद किया था, इनके पाकिस्तान को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी भी दी गई थी, हमारी वसाइल भी दिए गए थे. लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो सरहद दहशतगर्दी थी, स्मगलिंग थी, इसके ऊपर काफ़ी इसके हवाले से मसाइल आए थे और पाकिस्तान ने इसके ऊपर तवज्जो दी थी. देन पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ जो फिर मामलात थे वो भी काफ़ी पेचीदा हो गए थे. और इसके साथ साथ जो अमरीक और अफगान तल्लुकात थे वो भी काफ़ी मुतासर हुए. फिर इसके अलावा जो पीस इनिशिएटिव्स लिए गए जिनके पाकिस्तान अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान जो है अमन मुज़ाकरात की सहूलत दी और उसके नतीजे में 2020 में दोहा मुआहदा हो गया. फिर रिकैलिब्रेटिंग रिलेशंस विद इंडिया, 9/11 टेंशंस, कश्मीर कन्फ्लिक्ट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. तो भारत के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात हैं 9/11 के बाद उसके अंदर काफ़ी कशीदगी आ गई थी. कश्मीर का तनाज़ा कशीदगी की बड़ी वजह था. फिर इस तरह से जो तनाज़ात थे और अमन की कोशिशें थी तो ये भी साथ साथ शामिल रहीं. सारत पार दहशतगर्द और इसके अलावा जो बाकी इंतहा पसंद या अस्क्रियत पसंद हमले थे इसके हवाले से जो तल्लुकात थे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान काफ़ी पेचीदा हो गए थे. देन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स, पीस एफर्ट्स, सो कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत की कोशिशें जारी रहीं. जिस तरह से सीमेंट 2001 और मुख्तलिफ जो दौर थे उनकी बातचीत उनके हवाले से बाकी मुख्तलिफ तनाज़ों के हवाले से की जाती रही. इसके अलावा स्ट्रेंथन रिलेशन विद चाइना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इकोनॉमिक एंड मिलिट्री. सो पाकिस्तान डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना फोकसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिफेंस कोलैबोरेशन. तो सी पैक जो मंसूबा था पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी की बुनियाद बना. फिर सारी तल्लुकात भी मजीद बढ़े चाइना के साथ पाकिस्तान के. इसके अलावा जो है उन्होंने जो है सपोर्ट दी, इन्वेस्टमेंट की चाइना ने, इसके साथ सरमायाकारी की और इस तरक्याती मंसूबों के अंदर काफ़ी पाकिस्तान चाइना ने सरमायाकारी की. और इसके अलावा अगर हम रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेसी देखें यानी सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो इंगेजमेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सो पाकिस्तान सॉट टू एनहेंस इकोनॉमिक टाइज विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज लिवर्जिंग स्ट्रेटजिक लोकेशन एज अ ट्रेड रूट. तो फिर पाकिस्तान ने जो वस्ती एशिया ममालिक थे उनके साथ इक्तसादी तालुकात को बढ़ाया, अपने स्ट्रेटजिक मकाम जो था उसको पाकिस्तान की यानी जो जोग्राफियाई लोकेशन थी उसकी वजह से पाकिस्तान को में काफ़ी तजारती रास्ते थे और इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो फ़ायदा हुआ. पाकिस्तान बहुत अहम बन गया काफ़ी सारे ममालिक के अंदर. तो इसके अलावा जो रीजनल कनेक्टिविटी है इनिशिएटिव लाइक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया टीएपीपी पाइपलाइन एम डेट इंप्रूविंग एनर्जी एंड ट्रेड लिंक्स. तो इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इसके दरमियान टीएपीए पाइपलाइन जो है वो इकदाम किए गए थे तवानाई और तजारत को बेहतर बनाने के लिए, तो इनका मकसद था. फिर इसके साथ साथ अगर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अगर हम रिलेशन देखें जिसमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, सो पाकिस्तान जो है उन्होंने मतलब जो अक्सरियत ममालिक उनके साथ अपने तल्लुकात को मजीद मजबूत किया. फलस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल थे इसके हवाले से भी पाकिस्तान मुश्तरक इकदाम करने को कहा. और उसके बाद जो है वो इस्लामी समेट जो कॉन्फ्रेंसिस हुई इसमें पाकिस्तान ने शिरकत की. फिर कनेक्शन को मजीद मजबूत करने के लिए किया और इसके साथ साथ जो मुश्तरक मसाइल थे इसके ऊपर बातचीत की.
और उसके बाद अगर हम देखें कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जिसमें राइज इन टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशंस इसके अंदर इंक्लूड है, तो 9/11 के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी, दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो पाकिस्तान ने जब शामिल हुआ तो पाकिस्तान को के अंदर दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई, और फिर इंतहा पसंदी के अंदर पाकिस्तान में के अंदर इजाफा हो गया। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशन थे जिन FATA और बाकी जो मतनाजा इलाके थे उसमें दहशतगर्दी यानी फाटा और जो बाकी जो मतनाजा इलाके थे जिसमें दहशतगर्दी अस्क्रियत पसंदी के खिलाफ जो है एक बड़ी सतह के ऊपर फौजी ऑपरेशन किए गए। देन इकोनॉमिक एड इन्वेस्टमेंट, तो US एड पाकिस्तान को काफ़ी मिली अमेरिका से, और यह अक्सर दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के जो हवाले से अखराजात थे उसको मतवाजन बनाने के लिए इमदाद दी जाती थी। देन फिर चाइना सरमायाकारी और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके मंसूबों के हवाले से भी पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी इमदाद दी जाती रही। इसके साथ साथ जो US पाकिस्तान के रिलेशंस हैं तो उसमें स्टैंडराइज्ड शिफ्टिंग डायनेमिक, तो ड्रोन हमले और रिप्टाबाद जब रेड हुआ था तो इस तरह के मसाइल ने फिर जो अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो तलुकात को पेचीदा कर दिया था, तनाज़ा पैदा हो गया था दोनों मालिक के दरमियान। तो अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी थी उसके अंदर भी तब्दीली आई, फिर एशिया की तरफ जो झुकाव था और चीन के साथ स्ट्रेटजी था इस तरह का यानी कि उनकी तरफ से मुकाबला स्टार्ट हो गया। फिर रीजनल डिप्लोमेसी जो है वो चाइना के साथ फिर स्ट्रेटजिक शराकतदारी को बढ़ाया गया, जो रीजन के अंदर ताकतें थी उनके साथ तलुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। फिर जो चैलेंजेस थे इंडिया के साथ जिसमें जो है वो कश्मीर और सरहद पर दहशतगर्दी है इसके मसाइल के हवाले से भी तनाजात जारी रहे, सफारती चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। और अगर हम इसमें फ्यूचर और करंट डायरेक्शंस देखें, एडजस्टिंग टू चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स सर्जिक रीअलाइनमेंट, पाकिस्तान इज नेविगेटिंग शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंसेस एंड इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इंक्लूडिंग द US चाइना राइवलरी एंड रीजनल पावर डायनेमिक्स, सो फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फेसाइज ऑन इमर्जिंग CPEC एंड अदर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स टू ड्राइव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो पाकिस्तान जो है वो आलमी इतिहाद के हवाले से इसमें तब्दीलियाँ आई थी, और इसके अलावा जो चैलेंजेस थे जोग्राफियाई सतह के ऊपर भी और CPEC और जो बाकी इक्तसादी इकदाम थे उनकी तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से भी पाकिस्तान के को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा जो दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम किए गए थे, दाखिल सिक्योरिटी के मसाइल से पाकिस्तान को निमटना पड़ा। सो इस तरह से जो है इसमें रीजनल स्टेबिलिटी है जिसमें काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी है, तो पाकिस्तान ने फिर काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स के ऊपर भी फोकस किया, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी एड्रेस किया। इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी जो थी उसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिशें की, उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है कोऑपरेट किया। फिर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक बैलेंस था जिसमें बैलेंसिंग अलायंसेस और रीजनल जो है वो इंटीग्रेशन है, तो अमरीका चीन और दीगर जो जिनके ताकतें थी उनके साथ तलुकात को पाकिस्तान ने बैलेंस करने की कोशिश की ताकि जो पाकिस्तान के मफादात हैं कौमी मफादात हैं उनको इनकी हिफाजत की जा सके। फिर जनूबी एशिया और इससे जो बाकी पाकिस्तान की हैसियत थी इसको मजबूत करने के लिए भी काफ़ी जो है वो तामन को फ़रोग दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। और 9/11 के बाद पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उसने काफ़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने भी के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई, और इसके अंदरीज में जो सफारती और स्ट्रेटजिक मसरूफियात थी उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ। फिर अमेरिका और चीन के साथ जो ताल्लुकात थे उनको भी मजबूत यानी कि किया गया, और इस तरह से फिर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान चाइना के साथ जब पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो पेचीदा हो गए थे। फिर इस तरह से जो है वो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उसके पाकिस्तान को काफ़ी उसके अंदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो नेबर्स के साथ इंडिया के छोड़कर। सो पाकिस्तान जो है कि जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर जो भारत के अलावा बाकी हमसाय ममालिक हैं उनके साथ तलुकात काफ़ी उनके ऊपर गहरा असर है, हर स्तर पर जो मुख्तलिफ पहलू हैं मीन तजारत है सिक्योरिटी है और इसके अलावा जो बाकी रीजन्स के डायनेमिक्स हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अगर हम पाकिस्तान के तलुकात देखते हैं तो पाकिस्तान का मकाम जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मकाम है वो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान का रीजन का इस्तेहकाम है जो सिक्योरिटी है उसमें काफ़ी किरदार उसका अहम किरदार है। तो और इसके अलावा जो डिजून लाइन है वो भी तारीखी तनाज़ा है सरहदी तलुकात और सिक्योरिटी को मुतासर करता है। इस तरह से जो
डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं जिसमें जो है वो या अमन मुजाकरात हैं, यानी पाकिस्तान अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो है वो अमन मुजाकरात की सहूलत दी, खासतौर पर 2020 में दोहा मुआहदा हुआ। फिर इसके साथ अगर हम इक़्तिसादी तवन की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो तजारत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो यानी कि ट्रांस ट्रेड एग्रीमेंट था APTTA इसके हवाले से। देन चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी रिफ्यूजी का भी क्राइसिस है इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। तो सरहद पर जो बगावत है और अस्क्रियत पसंदी है, इस तरह के मसाइल का सामना है पाकिस्तान अफगानिस्तान को। फिर अफगान जो पनाह गजीन हैं उन्होंने भी काफ़ी असरात पाकिस्तान के ऊपर छोड़े, और जो इंसानी हमदर्दियाँ थी इस तरह के मसाइल जो हमको जो है बेहतर बनाने की कोशिश की गई। सो रिसेंट डिवेलपमेंट्स अगर हम देखें तो 2021 में तालिबान की वापसी हुई और फिर पाकिस्तान के हुकूमत में जो है वो अफगान आ गए तालिबान, और फिर इसके सिक्योरिटी सफारती तलुकात के ऊपर काफ़ी असरात थे पाकिस्तान। और अगर हम चाइना की बात करें तो पाकिस्तान के चाइना पाक के दरमियान सबसे अहम जो मनसूबा है वो CPEC है, एक फ्लैगशिप मनसूबा है जिसे पाकिस्तान का रबता चाइना के साथ, पाकिस्तान की इकतसादी तलुक पाकिस्तान के चाइना के साथ बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तरक्की आ रही है, तजारत इसके अंदर इंक्लूड है, मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्लूड है, मुश्तरक फौजी मशकें की जाती हैं, फौजी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है, देन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, हाई लेवल विजिट्स हैं, इसके अलावा स्ट्रेटजिक डायलॉग्स हैं। तो जो है दोनों मालिक के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान काफ़ी आला सतह के ऊपर दौरे किए जाते हैं, फिर जो दो तरफा तलुकात हैं उनके तामन को बढ़ाया जाता है, बाकायदा स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात जो है वो होते हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। तो इसके अलावा जो है वो चाइना की यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट है चाइनीज इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से ट्रेड रिलेशंस जो हैं चाइना के साथ पाकिस्तान के हैं, और सबसे बड़ा तजारती शराकत दार है चाइना पाकिस्तान का, और इस तरह से एक तजारत के जो उसका हजम है उसका साइज उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है पाकिस्तान ने जब चाइना के साथ CPEC का मनसूबा शुरू किया। फिर चाइना की जो यानी कि हमायत है उसमें पाकिस्तान जो है वो रीजन की सतह पर भी पाकिस्तान को काफ़ी हमायत हासिल होती है, अगर खासतौर पर भारत के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं यानी कि किसी पे कहते हैं जो है वो कर्जों के की बात करें या उनके अदायगियों के मुतालिक मसाइल हैं। फिर उसके बाद इलाकाई और जो जोग्राफियाई सियासत है इसमें भी चाइना के साथ जो तलुकात हैं उनको भी बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान और ईरान के साथ जो तलुकात हैं, बायलेटरल रिलेशंस, इकोनॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, स्टेट एनर्जी, देन इकोनॉमिक के अंदर, तो इसके हवाले से जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन है, तजारती मुआहदे इनके ऊपर बातचीत होती है, फिर इक़्तिसादी तावन है, रीजन के कनेक्शन है इसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ के दरमियान बातचीत होती है। कुछ सरहदी मसाइल भी हैं, ईरान ने सरहद के ऊपर स्मगलिंग और अस्क्रियत पसंदी के मुतालिक पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से कुछ इश्यूज रहते हैं, और इस तरह से जो डिप्लोमेटिक अगर हम इंगेजमेंट की बात करते हैं जिसमें रीजनल यानी कोलैबोरेशन है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो इसमें जो है वो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसके मसाइल के हवाले, इनके ऊपर जो रीजन के मसाइल हैं, इसके अलावा जो तरफा और इलाकाई मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी जो दोनों मुल्कों के रहनुमा हैं उनके दरमियान मुलाकातें होती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम रिसेंट डिप्ली जो है वो डिवेलपमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरनेशनल जो बैन अवी तौर पर जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं तो इसके हवाले से जो है दो तरफा इक़्तिसादी मनसूबे हैं, और जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन है उसके ऊपर काफ़ी मनफी असर पड़ा। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया स्टेट के साथ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, जियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड एनर्जी रूट्स, रीजनल कनेक्टिविटी, तो इस तरह से जो वस्त एशिया के साथ जो पाकिस्तान के तलुकात हैं तो तजारत और तवानाई के रास्ते जो है वो वस्त एशिया जो है वो तजारत के रास्ते और तवानाई के वसाइल के लिए काफ़ी अहम है। इसके अलावा जो इलाकाई कनेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी मनसूबे हैं इनके, जिस तरह से एक मनसूबा है तुर्कमस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत के दरमियान TAPI पाइपलाइन का, इस तरह से जो बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कोऑपरेशन इनिशिएटिव जिनमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, रीजनल फोरम्स हैं, तो इसमें जो पाकिस्तान और वस्त एशिया ममालिक उनके दरमियान तजारत और सरमाकारी के जो है वो
इनके इसको भी फ्रॉग देने की कोशिश की जाती है, और इसके अलावा जो रीजनल फोरम्स हैं इनके पार्टिसिपेशन की जाती है रीजनल फोरम्स के ऊपर, इसके अलावा जिनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉपरेशन को बनाने के लिए, इंटीग्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इस हवाले से, जियो पोलिटिकल राइवलीज, इनके मैनेजिंग रिलेशनशिप्स में जियो पोलिटिकल राइवलीज इन्वॉल्विंग मेजर पावर लाइक रशिया एंड चाइना। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड भी पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद पाकिस्तान और गल्फ स्टेट्स है जिसमें डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फिर इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो जो पाकिस्तान के जो है इक्तसादी जिनके तलुकात हैं खासतौर पर तेल और गैस के शोबे में जिन इन ममालिक के साथ, तो ये काफ़ी इसके अंदर अहम है। और इन जो है गल्फ जो स्टेट है इनके साथ पाकिस्तान जो कि जो रियल स्टेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाकी शोबे इनके अंदर भी जो है वो सरमायाकारी होती है। फिर लेबर माइग्रेशन है, यानी पाकिस्तानी डेस्पोरा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज पाकिस्तानी डेस्पोरा इन गल्फ कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू रेमिटेंसेज एंड इकोनॉमी। सो पाकिस्तान की जो इनके रियासतों के अंदर पाकिस्तानी की बड़ी तादाद है जो जिनके रेमिटेंसेज भी और इक्तसादी तालुकात में भी पाकिस्तान ने काफ़ी हिस्सा डालते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, सो काउंटर टेररिज्म, डिफेंस रिलेशन, इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई सिक्योरिटी के मसाइल हैं। लेकिन जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान का दिफाई सतह पर भी तावन जारी रहता है, और मुश्तरक फौजी मशकें भी होती हैं इन ममालिक के साथ पाकिस्तान की। इसके अलावा जो अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें जिसमें पोलिटिकल जियो पोलिटिकल शिफ्ट है, नेविगेटिंग रिलेशनशिप अमेंड शिफ्टिंग अलायंसेज एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग टेंशन विद ईरान एंड ब्रॉडर मिडल ईस्ट डायनेमिक्स, तो जो इलाके की तनाजात हैं खासतौर पर अगर ईरान के साथ जो कशीदगी है, या मिडल ईस्ट के एक बड़े सतह के ऊपर जो डायनेमिक्स हैं उनके दरमियान जो तलुकात हैं उनको बरकरार रखना भी एक चैलेंज है। फिर इस तरह से हम इसके टॉपिक की कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सो पाकिस्तान का जो अपने हमसाय ममालिक यानी कि भारत के अलावा बाकी के साथ जो तलुकात हैं वो स्ट्रेटजिक हो या इक्तसादी हो या सिक्योरिटी के मामला हों, इन तमाम मामलों के साथ जुड़ा है। और अफगानिस्तान, चीन, इसके साथ साथ ईरान, फिर वस्ती एशिया ममालिक और गल्फ ममालिक इनके साथ जो पाकिस्तान के सफारती सतह के ऊपर तलुकात हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की खाजा पॉलिसी के अंदर इसके हवाले से।